अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को सबसे पहले गाइड करूंगा सिंध की करंट कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि सिंध की जो मशरकी पट्टी है स्पेशली थरपारकर नगर पारकर, ये आप लोग देख रहे हो, ये रेन बैंड्स आप लोगों को देख रहे हैं, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और लाइटनिंग स्ट्राइक्स, यहाँ पर लाइटनिंग थंडर लाइटनिंग के साथ जो है बारिश हो रही है। तो सिस्टम जो है वो जो वेल मार्क लो प्रेशर था वो मध्य प्रदेश के ऊपर जो है इंडिया के रीजन के ऊपर जो है एज अ डिप्रेशन जो है ये इंटेंसिफिकेशन इसकी हुई है, एज अ डिप्रेशन मौजूद है। और इसका असर जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम आज रात और यानी कि कल से जो है सिंध के ऊपर जो है असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग कंडीशन देख सकते हो, ये करंट सैटेलाइट इमेज है, तो प्रेस लीज आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है पॉसिबल इम्पैक्ट के बारे में भी मेंशन किया है, खास तौर पे सी की कंडीशन जो होगी काफ़ी हद तक रफ हो जाएगी, और जो मछेरे हैं उन लोगों को भी हिदायत दी है कि केयरफुल रहें, क्योंकि सिस्टम जो है जिस तरह मैंने कहा था कि ये एज अ डिप्रेशन जब आता है तो विंड जो होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है, और आने वाले दिनों में आप लोगों को 1 से 2 दिन में लोअर सिंध के ऊपर जो है फ्लड वार्निंग भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो एहतियात कीजिए, ये सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ये मजाक नहीं है, मैं बस आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ। तो देखें कराची के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे हो तो करंट सैटेलाइट इमेज भी मैंने आप लोगों को शेयर की है, और सिस्टम की करंट लोकेशन भी आप लोग देख लो, और ये एज अ डिप्रेशन जो है राजस्थान के ऊपर जो इसका प्रेशर है तकरीबन 993.3 मिली बार का है, और गुजरात के ऊपर जो इससे रेन एक्टिविटी आज मॉर्निंग में हुई जो इतलात थी तकरीबन 283 मिलीमीटर की बारिश सुबह के टाइम पे रिकॉर्ड हुई थी। तो 850 एचपीए के ऊपर अगर आप लोग देख रहे हो तो ये स्टेयरिंग विंड होती है, जिसका मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये विंड सिस्टम को लेके चल रही होती है, और सरफेस विंड होती है। तो सरफेस विंड जिसका आप लोग तस्करा कर रहे हो कि भाई सरफेस विंड के ऊपर जो है अभी जो है वो सी ब्रीज चल रही है, तो सी ब्रीज क्या इसको आने नहीं देगी? तो देखें ये डिप्रेशन है और सिस्टम बड़ा है, इससे जो है इम्पैक्ट जो होगा वो पूरे सिंध के ऊपर आएगा और बलूचिस्तान में भी देखने को मिलेगा। कराची के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह महकमे मौसमियात ने कहा 27 से 31 के दौरान, और मैंने आप लोगों को 3 दिन बताए थे 27 से 29 तक जो है कराची में जो होगी हैवी रेनफॉल के चांसेस मौजूद होंगे। तो गुजरात के ऊपर जो हवा का जो हवाएँ चलनी थी इसके ऊपर ख़ास तौर पर जो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर्स के साथ और जो झक्कड़ चल रहे थे इस पर 60 KPH, और महाराष्ट्र के ऊपर जो था यानी कि 45 से 55 और 65 से 55 KPH के ऊपर जो है विंड चल रही थी। तो सिस्टम जो है कोई सच बाईपास नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिस्टम है, और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कराची कॉन्टेक्स्ट में वेल मैक्रो प्रेशर डिप्रेशन या डीप प्रेशर जो होता है वो बारिश काफ़ी अच्छी करता है। तो 3 दिन 27, 28, 29 इंपॉर्टेंट डेज हैं, और पूरे कराची में हमें इंशाल्लाह बारिश देखने को मिलेगी, और जो मशरकी सिंध की पट्टी है लोअर सिंध की पट्टी है यहाँ पे फ्लडिंग कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। बाकी है कि सिस्टम की इंटेंसिफिकेशन मजीद जो होगी सौराष्ट्र कच्छ रीजन के ऊपर होगी, और थोड़ा सा इसको आप लोग ने एहतियात करनी है, अब रेन इसमें ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि सिस्टम बड़ा है, प्रॉपर वे बंगाल का सिस्टम है, और कोई सिस्टम जो है कराची को बाईपास नहीं करेगा, कराची में आप लोगों को बारिश देखने को मिलेगी, और डेट मैंने आप लोगों को बता दी है। विंड जो होगी विंड की डायरेक्शन मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, जो आप लोग मुझसे कह रहे हो अभी जो है वो साउथ की विंड चल रही है, फिर ये साउथ वेस्ट की विंड जो नॉर्मली हमारी जो होती है सी ब्रीज होती है साउथ साउथ वेस्ट की, फिर ये विंड जो होगी इसकी डायरेक्शन आप लोगों को जो देखने को मिलेगी वो ख़ास तौर पर वेस्ट, फिर जो होगी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से चल रहेगी, ये पैटर्न चेंज करता है, फिर विंड जो होती है नॉर्थ की तरफ चलती है नॉर्थ से चलती है, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट विंड जो होती हैं वो चल रही होती हैं, फिर ईस्ट की तरफ आ जाती है हवा, ठीक है। तो ये पैटर्न पूरा साइकिल बनती है, इस तरह की साइकिल बनती है हवाओं की जो कि सरफेस विंड के ऊपर होती है, और ये आप लोग खुद ही नोट कर लेना आपके विंड कब चेंज हो रही है। तो सिस्टम के मुताबिक फर्दर जो अपडेट होगी इन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बताने का मकसद ये था, एक तो विंड के बारे में आप लोगों ने सवाल किया, बाकी करंट लोकेशन भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि किस तरह की वहाँ बारिश हो रही है, किस हद तक वहाँ पर जो है विंड चल रही है, और ख़ास तौर पर सिंध के जो है लोअर पट्टी के ऊपर जिसमें थरपारकर वगैरह है उसकी भी अपडेट दी है। तो ये छोटी छोटी सी अपडेट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।